हेलो गाइस एंड वेलकम टू पार्ट टू ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। मैं हूं ऐश्वर्य शर्मा और ये हमारा प्यारा चैनल एपिक एजुकेशन। तो यार पार्ट वन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, पार्ट टू में हम पढ़ेंगे कैलकुलस के बारे में। ठीक है, नाउ कैलकुलस की बात करें यहाँ तो खुद में बहुत ही वास्ट टॉपिक है। ठीक है, इनफैक्ट तुम्हारा 11th और 12th का मेजोरिटी ऑफ मैथ्स का जो पोर्शन है वो कैलकुलस ही है। बट फिजिक्स जो है ना यार वो हमसे डिमांड करता है कि सर आप क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर से, हाँ फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक कैलकुलस को जानो, एटलीस्ट उसका बेसिक जानो। ठीक है, बिकॉज वो बार बार यूज आएगा, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे मैथ्स की बात हो, चाहे कैलकुलेशन पार्ट हो या फिर डेरिवेशन पार्ट हो। ठीक है, तो कैलकुलस को पढ़ना बहुत 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 जरूरी है, उसको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलस को। कैलकुलस का सबसे पहला टॉपिक होता है फंक्शंस। ठीक है, तो यार सर ये फंक्शंस है क्या भला? काफी टाइम से काफी लोगों से सुनते आ रहे, बट ये है क्या चीज? तो यार फंक्शंस को बेसिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है y is equals to f of x। ठीक है, इसको कैसे रीड करते फिर से सुन लो, y is equals to f of x। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों f y जो है ये एक वेरिएबल है और ये फंक्शन ये डिपेंड करता है अनदर वेरिएबल x पे। ठीक है, y बेसिकली डिपेंड करता है फंक्शन ऑफ x पे, x के किसी फंक्शन पे। ठीक है, तो यार इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस के बारे में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज डोमेन। अगर आप फंक्शंस को पढ़ रहे हो तो ये दो चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, ये हो गया आपका फंक्शंस। ठीक है, और ये हो गया उसके दो पार्ट। नो व्हाट इज एग्जैक्टली डोमेन सर एंड व्हाट इज रेंज, राइट? तो यार बच्चों डोमेन क्या होता है? डोमेन इज नथिंग बट वैल्यूज ऑफ एक्स। इस फंक्शन में जो एक्स की वैल्यूज होगी वो डोमेन होगी, लेकिन 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 एक बहुत ही प्यारे कंडीशन के साथ। वो कंडीशन ये कहता है फॉर विच वाई इज डिफाइंड। ठीक है, फिर से समझते हैं। डोमेन क्या है? वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड। ठीक है, सिर्फ अगर मैं वैल्यू ऑफ एक्स लिख दूं तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? अगर मैं सिर्फ वैल्यू ऑफ एक्स की बात करूं बच्चों, तो यार वैल्यू ऑफ एक्स में तुम कुछ भी डाल सकते हो, राइट? बिकॉज दिस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंड तो वाई एक्स पे कर रहा है ना, एक्स तो कुछ भी दे सकता है। बट डोमेन क्या कहता है? जब हम डोमेन की बात करते हैं बोलते हैं सर आप एक्स की वही वैल्यूज डालोगे जिसके लिए वाई डिफाइंड हो। अगर किसी एक्स की वैल्यू के लिए वाई डिफाइंड नहीं होता तो वो उसके डोमेन का हिस्सा नहीं हो। ठीक है, इस चीज को एग्जांपल से समझते ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेट्स से वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स हमारा एक फंक्शन। ठीक है, वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स हमारा एक फंक्शन। ठीक, तो बच्चों अगर इससे इसमें हम पूछे कि तुम्हारा डोमेन क्या है, राइट? तो डोमेन की बात करेंगे सर, तो डोमेन क्या था? वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड। देखो एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करना चालू करो, तुम 1, 2, 3, 4 -1, -2 कुछ भी रखो, देखो हर चीज के लिए वाई की एक वैल्यू आई। ठीक, लेकिन जब तुम एक्स की वैल्यू 0 रख देते हो बच्चा तो क्या हो रहा है? 1/0 ना, हम सबको पता है कि 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहां मतलब कि वाई सर यहां पर डिफाइंड नहीं है। ठीक है, y = 1 x की 0 की वैल्यू के लिए y = 1 / x डिफाइंड नहीं है। और अगर डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब सर जो डोमेन x का वो क्या हो सकता है? x का डोमेन क्या हो सकता है? सारे रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे r से, तो जितने भी रियल नंबर्स है सर, लेकिन एक्सेप्ट 0, 0 नहीं होगा उसमें सर। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? डोमेन ऑफ y। ठीक है, x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है इस फंक्शन में, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, x की वैल्यू हो सकती है और रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0। ठीक है, 0 नहीं होगा। अब बात करते हैं सर रेंज की। सर रेंज क्या है? रेंज कौन सी चिड़िया? तो यार बोलता है फंक्शंस बोलता है कि सर रेंज वो चिड़िया जो बताती है वाई का मिनिमम और मैक्सिमम कितना वैल्यू हो सकता है एक फंक्शन के। ठीक है, गिवन डोमेन में, यह भी बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना सर y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फॉर द गिवन डोमेन। ठीक है, उस डोमेन के अंदर y कितना दूर तक जा सकता है, कितना मिनिमम जा सकता है और कितना मैक्सिमम जा सकता है, दैट इज योर डोमेन रेंज। ठीक है, सॉरी रेंज, राइट? तो सर इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं सर, मिनिमम
टू मैक्सिमम वैल्यूज को निकालते हैं, ठीक है, दैट इज योर रेंज। किसका किसका मिनिमम मैक्सिमम निकाल रहे यार, वाई का, ठीक है, वाई का। तो इसी एग्जांपल को देखते हैं बच्चों, इसका रेंज को समझते हैं। एग्जांपल था वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो इसका डोमेन क्या था सर, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। नाउ रेंज की बात करते हैं सर, इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता तुम बच्चों, तो एक बात समझो, x x नीचे डिवाइडेड में जितना बड़ा नंबर डालोगे y उतना छोटा होता जाए, राइट। अगर x की वैल्यू तुम इंफिनिटी रखते हो तो 1 अपॉन इंफिनिटी इज जीरो, और माइनस इंफिनिटी रखते हो तो भी कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि माइनस और प्लस जीरो इज नथिंग बट जीरो, ठीक। बट अगर मैं x की वैल्यू बच्चों जीरो रख दूं तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, डोमेन से बाहर, जीरो तो नहीं रख सकते, लेकिन सर जीरो से थोड़ा सा छोटा, इतना छोटा कि नंबर लाइन पर तुम देख भी नहीं पाओ, ये जीरो है, इतना छोटा, तो जीरो से जस्ट छोटा वैल्यू रखेंगे, ऑलमोस्ट एज गुड एज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जीरो, अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं, ध्यान रखना इस बात, तो अप्रोक्सीमेटली एज गुड एज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जीरो अगर रखते हैं तो सर क्या ये, क्या ये वाई जो है वो टेंड करने लग जाएगा, क्या ये वाई टेंड करने लग जाएगा नेगेटिव ऑफ इंफिनिटी को, ठीक है। एंड सर अगर जीरो से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू रखते हैं इस बार, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, तब क्या होगा सर, तो क्या मैं कह सकता हूं वाई इसको टू वन बाई एक्स, इसको टेंड करने लग जाएगा बच्चों, वाई विल बी स्टार्ट टेंडिंग टू पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है। कब हो रहा है, जब एक्स एक्स रीच कर रहा है जीरो माइनस को, ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है, जीरो माइनस, ठीक है, मतलब जीरो से जस्ट छोटा। और यहां ये कब हो रहा है बच्चों, जब x रीच कर रहा है जीरो से जस्ट बड़े नंबर को, जीरो प्लस, ठीक है, तब y की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी कर रही है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो सर अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं इस फंक्शन का रेंज जो है y इक्वल टू 1 बाई x का जो रेंज है वो है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है, नहीं ठीक नहीं, ठीक है, देखो एक बात तुमने, मैंने बोल दिया तुमने मान ली, यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है यार कि हम लोग सोचते ही नहीं खुद से, इधर जरा दिमाग लगाओ, इस माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में तुमने सारे वैल्यूज को इंक्लूड कर लिया, राइट, वाई की सब वैल्यूज को तुमने इंक्लूड कर लिया। बट जरा एक बात बताओ कि जब एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो होगी, जब y की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो होगी तब x की वैल्यू कितनी हो रही होगी, x की या फिर x की किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू जीरो मिलेगी, राइट। नाउ x को अगर तुमको y को जीरो बनाना तो x को तुम्हें रखना पड़ेगा एग्जैक्टली इंफिनिटी में, राइट, एग्जैक्टली इंफिनिटी इज नॉट पॉसिबल, किसी भी चीज के लिए एग्जैक्ट इंफिनिटी को टच करना पॉसिबल नहीं है, तो अगर ये एग्जैक्ट इंफिनिटी नहीं हो सकता तो ये एग्जैक्ट जीरो भी सर नहीं होगा, वेरी गुड। तो इसका मतलब सर यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करेंगे हम, वो चेंज होगा माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन जीरो टू इंफिनिटी। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, ये जीरो तो आपने लिखी दिया ब्रैकेट डाली थी, तो देखो यार दो तरीके की ब्रैकेट होती है फंक्शन में जो तुम्हें पढ़ने और समझनी है, एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट तब यूज करते हैं जब हम किसी नंबर को इंक्लूड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ए से बी की बात करें, अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी तो इसका मतलब है कि ए और बी दोनों के वैल्यूज इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और अगर मैं तुमसे कहूं कि कर्व ब्रैकेट में सर ए और बी, इसका मतलब है सर कि ए और बी के अंदर में बीच में जो भी वैल्यूज है वो इंक्लूडेड, लेकिन ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, फिर से ए और बी के बीच की सारे वैल्यूज इंक्लूडेड बट ए और बी एग्जैक्टली इंक्लूडेड नहीं है। तो यहां पर अगर तुम गौर करोगे तो देखो क्या हो रहा है, माइनस इंफिनिटी टू जीरो यानी माइनस इंफिनिटी और जीरो इंक्लूडेड नहीं है, जीरो और इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन उनके बीच की जितने वैल्यूज है सब इंक्लूडेड है, तो ये बताता रेंज, एंड ये हो गया तुम्हारा फंक्शन का डोमेन, ठीक है। एक एग्जांपल था फंक्शन को समझने का तरीका, फंक्शन का डोमेन रेंज समझना था हमें, ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी करो, हम लोग देखेंगे कुछ फेमस फंक्शंस को और उनके बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया फंक्शंस का बेसिक्स, ठीक है, अब चलते फंक्शंस के कुछ टिपिकल एग्जांपल्स की तरफ, ठीक है, जो स्पेशली इंक्लूडिंग कर्व्स, ठीक है, कर्व्स और उनके इक्वेशन, ये भी फंक्शन का हिस्सा है। जानते सबसे पहले कर्व को जो कि बहुत ही फेमस है, y is equal to ms, सर ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कैसे कैसे बनता सर ये कर्व, ये हो गया बच्चा तुम्हारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस,
तो ये कर्व सर बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसमें सर ये जो है इसको हम लोग अभी अज्यूम कर रहे हैं कि पॉजिटिव कांस्टेंट है इस कर्व के लिए, पर्टिकुलरली इस कर्व के लिए, जरूरी नहीं है सर, ठीक है। तो देखो ये होता है क्या, y इसको स्टर्म x, mx में m तो हो गया कांस्टेंट। अब तुम्हें क्या एक फंक्शंस का चीज दिख रहा है कि y और x डिपेंडेंट है, इनफैक्ट मैं बोल सकता हूं कि सर y इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन x, यानी y और x का जो पावर है वो 1 1 है, x का जो पावर 1 है, तो y इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन x, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब सर y इज अ फंक्शन ऑफ x, वेरी गुड। सर ये फंक्शन का ही पार्ट है, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे थे। नो सर ये फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके कैसे बनता है, तुम देखो x की वैल्यू रखो 0, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, परफेक्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या करते हैं, जब x और y 0 हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, रिप्रेजेंट करते हैं O से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन, ठीक है, जहां पर x और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। तो सर ये जो कर्व है यह ओरिजिन से पास कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं, ठीक है, इसकी वैल्यू जो m जो है पॉजिटिव है, ठीक है। m क्या होता है सर, अब इसको समझते हैं, m रिप्रेजेंट्स द स्लोप, स्लोप बोलते हैं, फिर इसको टेंजेंट भी कहते हैं, ठीक है। स्लोप या टेंजेंट जो है इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो लाइन है, लाइन हमारा स्ट्रेट लाइन है, वो x एक्सिस से कितना एलिवेशन पे, ठीक है, कितने एंगल पे एलिवेटेड है, क्या रिप्रेजेंट करता, फिर से m जो है वो बताता है कि जो हमारा लाइन है स्ट्रेट लाइन, वो x एक्सिस से कितना एंगल पे एलिवेटेड है, फॉर एग्जांपल यहां पर थीटा, ठीक है। तो जो स्लोप होगा उसको हम लोग m को क्या लिखेंगे, tan ऑफ थीटा, क्योंकि टेंजेंट इज tan, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, देखो एक एग्जांपल ले लो जहां पर x की वैल्यू जा रही है x1 से x2 तक, मानते इसको डेल्टा ऑफ x, एंड यहां पर उसी दौरान y की वैल्यू में जो चेंज आया वो आया y1 से लेकर के y2 तक, इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा y। तो by definition of, अच्छा ये parallel lines है, ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएंगे थीटा, straight right angle triangle है, तो यहां पर tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल को देख के लिए, क्या ये डेल्टा x है, ये डेल्टा y है, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x में कह सकता हूं। तो ये तुम्हारा हो गया इस लाइन का स्लोप, ठीक है, निकालने का एक तरीका स्लोप निकालने का। तो ये होता है सर स्ट्रेट लाइन, उसका इक्वेशन, m रिप्रेजेंट करता स्लोप या टेंजेंट को, जो कि x एक्सिस से एंगल ऑफ एलिवेशन बताता हमें, और इस तरीके से हम लोग बनाते हैं सबसे पहला फंक्शन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा सर अब एक आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी बच्चों को देख, कि सर जरूरी है कि स्ट्रेट लाइन हमेशा ऐसा ही, क्या सर वो टैन स्ट्रेट एकदम x एक्सिस पे नहीं हो सकता या y एक्सिस पे, चलो वो भी हो सकता है सर, व्हाट अबाउट ये ओरिजिन से ऊपर नीचे भी तो हो सकता है, हो सकता है, क्या सर ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, हो सकता है। एक केस मैं दिखाता हूं, चलो सर अभी हमने लिखा था y = mx, अगर मैं आपसे लिख दूं बच्चों y = mx + c, तो बुरा तो नहीं मानोगे कि सर आपने फंक्शन बदल दिया, अभी भी फंक्शन ही ना यार, x पे डिपेंड कर रहा, c क्या है, c सम कांस्टेंट, हमने अपने मन से कांस्टेंट रख दिया, अब m तुम्हें पता क्या, m इज स्लोप, ठीक है। तो यार देखो इस लाइन और इस लाइन में डिफरेंस क्या, अगर इसकी बात करूं मैं, तो यहां जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी थी बच्चा, 0, यहां पर तुम x को 0 पुट कर दो, ठीक है, कर दो, अगर x 0 हो जाएगा तो y कितना होगा यार, जब x 0 होगा y कितना होगा, c, यानी इस बार y की वैल्यू सर 0 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब सर ये जो कर्व है और ये अगर पॉजिटिव है स्लोप, तो एक बात तो सर कंफर्म है, अब इसका जो ग्राफ होगा वो होगा तो इसी तरीके से, ठीक है, लेकिन 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 इस बार ओरिजिन से पास करेगा क्या वो, नहीं करेगा, वेरी गुड, ठीक है। तो कहां से फिर पास करेगा, कुछ ऊपर से, ठीक है, अगर सी पॉजिटिव है तो ऊपर से और नेगेटिव है तो नीचे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर, लेकिन देखो लाइन अभी भी इसी तरीके से ओरिएंटेड है, ओरिएंटेशन ऑफ लाइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ हो क्या गया यहां पर, चेंज क्या हो गया, ओरिजिन से पास नहीं करके उससे थोड़ा सा ऊपर से पास करना, ठीक है। तो ये आपका एक सवाल का जवाब हो गया कि सर इससे ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, इसको कॉपी करो, नेक्स्ट सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि क्या सर इसका ओरिएंटेशन उल्टा भी हो सकता है क्या इस तरीके से, ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी करो पहले, ठीक है। तो चलते अब तुम्हारे नेक्स्ट डाउट की तरफ, जो तुम्हारे दिमाग में आता है सर इसका ओरिएंटेशन भी अलग हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है सर, देखो कैसे,
सपोज करो इस बार इक्वेशन अगेन वही है, क्या है y = mx + c, लेकिन इस बार सर m जो है वो नेगेटिव है। अब क्या होगा सर, नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा? तो देखो यार समझते हैं, m नेगेटिव होने का मतलब क्या है, tan थीटा इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है, अगर m नेगेटिव है तो tan थीटा भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नो tan थीटा नेगेटिव कहां होता है ये भी आप समझ लेते हैं। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री में एक बात होती है, ऑल साइन टैन कॉस। ठीक है, इसको याद रख लेना। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब एक चौथाई, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये चार क्वाड्रेंट्स होगा सर। क्वाड्रेंट्स और एंगल हम लोग कन्वेंशनली किस तरीके से नापते हैं ये भी समझ लो। हम लोग सर एंगल्स को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं, मतलब घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, एंगल्स को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नापा जाता है। तो कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है, कहते हैं प्रॉपर्टी है कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा, थीटा जो है मतलब साइन एक्स जो है, अगर एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट पे यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में, ये एंगल्स कितने कितने होगा बच्चा, 0 पाई बाई 2 पाई एन, बोलो इसका पाई बाई 3 पाई बाई 2। ठीक है, एंड ये कितना हो गया अगेन 2 पाई। सर जब जब 0 से 90 के बीच में, 0 से पाई बाई 2 के बीच में थीटा है तो सभी जितने भी फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के 6 के 6 पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इसके बाद कहता है सर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें यानी 90 से 180 डिग्री के बीच में अगर थीटा होगा आपका तो सिर्फ साइन वाला जो फंक्शन है वो पॉजिटिव हो। ठीक है, यानी कॉस और टैन जो है वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, यानी कि अगर थीटा 90 टू 180 के बीच में सर है और अगर हम लोग कॉस की वैल्यू निकाल रहे हैं टैन की तो कितना आएगा, नेगेटिव। वेरी गुड। सिमिलरली सर अगर हम लोग 180 टू 270 की बात करें यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ सर टैन पॉजिटिव है। ठीक है, यहां साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है और तभी तो पॉजिटिव हो रहा टैन, क्योंकि टैन बेसिकली है क्या, साइन बाई कॉस। अगर नेगेटिव बाई नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो अगर सर साइन भी नेगेटिव है कॉस भी नेगेटिव तो टैन हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव, विच इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें बच्चों तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। ठीक है, कॉस पॉजिटिव है, साइन एंड टैन बोथ नेगेटिव है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर एम हमारा क्या है, नेगेटिव। ठीक है, इसको रिवर्स इंजीनियर करते हैं, मतलब उल्टा डायरेक्शन में बढ़ते हैं इसके। तो यार बात करते हैं सिर्फ वाई बराबर एम एक्स की। ठीक है, वाई बराबर एम एक्स ओरिजिन से पास करता लाइन होगा, ये तो हमने देख लिया था, जब जीरो रखोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। वेरी गुड। इस बार m सर नेगेटिव, m नेगेटिव मतलब tan थीटा नेगेटिव। tan थीटा नेगेटिव कहां हो सकता है बच्चों, जब थीटा 90 टू 180 के बीच में। ठीक है, और क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज नाप रहे हैं तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा थीटा। ठीक है, अब देखो ये थीटा के 90 से ज्यादा और 180 से कम है। ठीक है, तो क्या ये वैलिड करता है कि tan थीटा नेगेटिव होगा, होता है। तो इसका मतलब सर जब भी स्लोप नेगेटिव होगा या tan थीटा 90 से ज्यादा होगा तो 90 और 180 के बीच में होगा तो लाइन का ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा होगा, और जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा tan पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा तो एक्यूट एंगल बना रहा होगा। ठीक है, क्यूट एंगल बनाएगा। ठीक है, तो यार ये कहानी होती है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है, जो भी प्रॉपर्टीज है, ये हमने देख लिया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कर्व की तरफ, इसको जल्दी से कॉपी कर लो। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट कर्व की तरफ, विच इज पैराबोला। ठीक है, कौन सा बोला, पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला क्या होता है सर, पहले उसका इक्वेशन समझ लेते हैं। एक उसका फॉर्म होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एक्स। ठीक है, एंड दूसरा फॉर्मेट जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर इंटू ए ऑफ वन। ठीक है, दो तरीके के पैराबोला होते हैं बच्चों। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई। वेरी गुड। ठीक है सर, ये दिखता कैसा है, तो सर ये दिखता जो है, देखो ये लीनियर नहीं है। सबसे पहली बात तो ये फंक्शन तुम देख पा रहे हो, y इज नॉट ए लीनियर पॉलीनोमियल, नॉट लीनियरली डिपेंडेंट ऑन x। ठीक है, वेरी गुड। ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। अच्छा, तो ग्राफ बनाने से पहले एक बात सुनो, क्या x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है यहां पर? सोचो, अगर गिवन a क्या है, a पॉजिटिव मानते, ये भी पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो a की x की वैल्यू क्या नेगेटिव हो सकती है सर? नहीं,
क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो स्क्वायर का टर्म नेगेटिव हो जाएगा सर, बहुत खतरनाक बात हो गई, इमेजिनरी चले गए रियल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब सर x की वैल्यू जो है हमेशा इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है, और y कैसे वेरी करेगा, स्क्वायर की तरह, ठीक है। तो बेसिकली सर जब स्क्वायर होता है तो कुछ इस तरीके का कर्व ड्रॉ होता, ठीक है, ये हम लोग सीखेंगे मैथ्स में पर्टिकुलरली कि कैसे ड्रॉ करते हैं। फिलहाल इस तरीके का कर्व ड्रॉ होगा जब x y स्क्वायर इक्वल टू 4x का फंक्शन होगा, ठीक है। डिफाइंड कहां पर है सर, x की ऑल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए इंक्लूडिंग 0, ठीक है, डोमेन भी इसका 0 से लेकर के ऑल पॉजिटिव वैल्यू फॉर x गिवन 4a इज, a इज पॉजिटिव, ठीक है, 4 तो कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ सर ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला, ठीक है। नेक्स्ट पैराबोला की बात करते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, सर यहां पर क्या हो रहा है बोलो बच्चों, क्या इसका कर्व ड्रॉ कर पाओगे, ट्राई करो अपने कॉपी में अटेम्प्ट लो, ठीक है। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay में क्या हो रहा है सर, y का वैल्यू सिमिलरली यहां पर जैसे x नेगेटिव नहीं हो पा रहा तो यहां पर y नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, अगर गिवन द कंडीशन a इज पॉजिटिव। बार बार एक बात कह रहा हूं कि ये कंडीशन ध्यान होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव हो गया तो फिर इसको नेगेटिव ही होना पड़ेगा, फिर तो गेम ही चेंज हो जाएगा। तो अगर x स्क्वायर बराबर 4ay की बात करें तो क्या मैं कह सकता हूं सर, कुछ इस तरीके का सीन होगा, y जो है 0 को टच करके निकल जाएगा लेकिन 0 के नीचे नहीं जा पाएगा, ठीक है, ये किसका कर्व होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि यदि ओरिजिन को टच करता है और हमेशा ऊपर ही ऊपर, कभी कभी ऐसा भी हो सकेगा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि बिना टच के निकल गया, और कभी ऐसा भी होगा कि दो बार टच करके निकल गया, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अपन सिर्फ इन दो पर्टिकुलर इक्वेशंस का कर्व ड्रॉ करें, ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला और ये भी पैराबोला। अब तुम एक बार अपना दिमाग को जरा बैक में ले जाओ, तुमने इसके साथ इसे देखा भी और इसके साथ खेला भी, याद करो मैथ्स में याद आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही तो कर रहे थे यार तुम, उसमें दो रूट्स होता था ना, तो दो रूट्स क्या होता है, जहां पर एक्स एक्सिस को कट करना था कर्व, ये उसके रूट्स हो गए, यहां पर दोनों सेम रूट है जब सीरियल और इक्वल रूट होते थे, डी बराबर जीरो याद है। तो ये सब क्या है, ये पैराबोला तुमने पढ़ रखा है, बस उसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था तुमने, ठीक है, वहां पर इक्वेशन क्या हो जाता था याद है कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा लिखते तो इक्वल टू जीरो कर देते तो इक्वेशन हो जाता था, अदरवाइज क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी होती, ठीक है। तो ये हो गया यार क्वाड्रेटिक, देखो एक्स का डिग्री कितना 2, क्या ये पैराबोला से मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। सर पैराबोला को हम लोग क्यों पढ़े, पैराबोला बच्चों तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन, अभी एक चैप्टर आएगा काइनेमेटिक्स में, ठीक है, मोशन के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे 2D मोशंस में, तो प्रोजेक्टाइल मोशन भर भर के क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और प्रोजेक्टाइल मोशन इज कम्प्लीटली पैराबोला, बस पैराबोला ही है, अगर तुम पैराबोला समझते हो तो प्रोजेक्टाइल में तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बहुत जरूरी है, जो भी चीज हम लोग अभी पढ़ेंगे ना सब फिजिक्स में यूज होने वाला वही पढ़ेंगे, ठीक है, वही कर्व्स के बारे में। तो ये हो गया यार पैराबोला जो था हमारा सेकंड कर्व, ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं, पी ए आर ए बी ओ एल एल ए, ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी कर लोगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कर्व की तरफ। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट कर्व की तरफ विच इज सर्कल, ठीक है, सर्कल के बारे में तो हमने बचपन से देखा और सुनते आए, ठीक है, लेकिन सर्कल का इक्वेशन कितना नहीं सुना, बहुत शायद किसी ने नहीं या फिर कुछ लोग, बट मेजोरिटी ऑफ हम में से किसी ने नहीं सुना, क्योंकि सर हम लोग अभी अभी पास होकर के हैं 10th। तो यार सर्कल का इक्वेशन, बेसिक सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, सबसे सिंपल और इजी सर्कल है, ठीक है। यहां पर देखो वाई और एक्स दोनों की पावर 2 है, यानी दोनों सेकंड डिग्री के, और ए जो है ये कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट का नाम है रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल ए, ठीक है, ए इज रेडियस नॉट ए स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर है ये फिलहाल, ठीक है, ये क्या रेडियस का स्क्वायर है, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ए रेडियस है एंड ए स्क्वायर रिप्रेजेंट्स रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। ये सर्कल दिखता कैसे सर, तो कुछ इस तरीके का दिखता है बच्चों, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया ओरिजिन, ये हो गया तुम्हारा ए रेडियस, ठीक है, ये हो गया सर्कल का बेसिक इक्वेशन और उसका कर्व, ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। इसके साथ साथ हम लोग एक और चीज देख सकते हैं, सर्कल का ही भाई है सर, इसको कहते हैं हम लोग एलिप्स, ठीक है, क्या कहते हैं एलिप्स, दिखता कैसा सर, सर्कल जैसा लेकिन थोड़ा चपटा सर्कल, विच इज अंडा, अंडा देखियो ना कुछ उस तरीके का, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग एलिप्स, ठीक है।
अब देखो यार, तुम ये भी कह सकते हो कि सर एलिप्स, सर्कल इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एलिप्स, ठीक है, सर्कल एक एलिप्स का स्पेशल स्पेशल काइंड है, ठीक है। तो बात करते हैं इस बार एलिप्स की। सर एलिप्स जो है ये क्या था तुम्हारा बच्चा, सर्कल, ये क्या अपना एलिप्स, ठीक है। एलिप्स की इक्वेशन को बात करें तो उसको लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ए और बी क्या है ये बताते हैं। तो देखो ये जो होता है एलिप्स जिस साइड से लंबा, अभी फिलहाल एक्स एक्सिस की साइड से लंबा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस का जो लेंथ है इसका पूरा, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। इसका लेंथ होता है 2a, ये ओरिजिन हो गया बच्चों, इसका सिर्फ लेंथ हो गया a एंड इसका भी लेंथ हो गया a, सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्रिकल कर्व्स है। तो जितना नेगेटिव साइड बनता है पॉजिटिव साइड में, यानी दोनों की तरफ लेंथ a है, टोटल लेंथ हो गया 2a, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वैसे, मेजर एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं b और इस लेंथ को बोलते हैं b, एंड टोटल लेंथ कितना हो गया ये 2b, ठीक है। ये क्या हो गया यार अपना माइनर एक्सिस, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता मेजर एक्सिस को और ये रिप्रेजेंट करता माइनर एक्सिस को, 2a और 2b, ठीक है। ये हो गया एलिप्स और एलिप्स का इक्वेशन, ठीक है। एलिप्स तुम्हारा ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा, धड़ल्लेस खूब यूज आएगा, ठीक है। तो एलिप्स के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है और आगे जाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी यूज आएगा, ठीक है, हो सकता है उससे पहले भी यूज आ जाए। तो एलिप्स को हम लोगों ने देख लिया और ये देख लिया हम लोगों ने सर्कल क्या है, ठीक है। दोनों को जल्दी से कॉपी करेंगे, चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट कर्व की तरफ। तो यार चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज हाइपरबोला, नेक्स्ट कर्व, ठीक है। नाउ हाइपरबोला इज प्रीटी मच, देखो हाइपरबोला के साथ एक सीन है, हाइपरबोला का जो इक्वेशन है वो बहुत हद तक एलिप्स के साथ मिलता है, ठीक है, बस प्लस की जगह माइनस आया था। और हाइपरबोला खुद में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बट उसका हमें पढ़ना होता फिजिक्स में, फॉर्चुनेटली एक स्पेशल केस जो कि है xy = c, यहां पर c क्या है, कोई कांस्टेंट, ठीक है। देखो स्ट्रेट लाइन और x इसमें एक डिफरेंस है, वहां पर y = m * x था, ठीक है, कांस्टेंट * x, यहां पर xy साथ में is = a कांस्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ हाइपरबोला, ये है हाइपरबोला एंड ये उसका एक स्पेशल केस, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों कहते हैं, अभी ग्राफ से समझ में आ जाएगा हाइपरबोला, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई बराबर सी का, वो कुछ इस तरीके का होता, ठीक है। क्यों और ऐसा ग्राफ है, देखो एक इस टाइप का ग्राफ उस फंक्शन का भी होगा जो हमने एकदम स्टार्टिंग में दिखा था चैप्टर के, वाई इज टू वन बाई एक्स, याद करो क्या एक्स वाई बराबर वन एक कॉन्स्टेंट है, क्या यही फंक्शन हो गया। देखो तो यार देखो, जब जब एक्स की वैल्यू जीरो को टेंड कर रही है, ठीक है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू जीरो को टेंड कर रही है, वैसे वैसे क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, एक्स इक्वल टू सी बाई वाई, ठीक है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू जीरो को टेंड करेगी या फिर वाई इक्वल टू सी बाई एक्स, ठीक है, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो देखो जब जब x की वैल्यू जीरो को टेंड करती है, तो y का वैल्यू सब क्या हो रहा है, ये जीरो होता जाएगा, तो ये बड़ा होता जाएगा, बड़ा बड़ा होते होते जब ये x एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा तब ये y को मिल जाएगा, कहां पर मिलेगा, इनफिनिटी में, तब y की वैल्यू कितनी है, इनफिनिटी, एंड सेम गोज फॉर x। देखो जब y छोटा होता जा रहा, जब ऑलमोस्ट एज गुड एज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तब x कितना हो जाएगा, इनफिनिटी, तो ये कर्व कहां पर मिलेगा इसको जाकर के, x इक्वल टू इनफिनिटी पे, ठीक है। सिमिलरली जब x जब नेगेटिव ऑफ जीरो यानी जीरो माइनस की तरफ जाएगा, तब y कितना होगा, नेगेटिव इनफिनिटी, जब y जीरो माइनस की तरफ जा रहा होगा तो x कितना होगा, माइनस इनफिनिटी, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस है, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, ये हाइपरबोला का स्पेशल केस हो गया तुम्हारा। इसके बाद एक और इक्वेशन बस देख लो, नेक्स्ट इक्वेशन जो एक बहुत ही फेमस कर्व है वो है y = e to the power x। सर पहले e टू पावर x समझे, उससे पहले हम लोग समझ लेते e क्या है, e होता है बच्चों एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 2.718 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म है 2.718। तो ये y = e टू पावर x जो हमने लिखा ना, ये तुम्हें अभी तो लग रहा है कि अरे क्यों लिख दिया, बट ये नंबर e जो है इसका बहुत महत्व है फिजिक्स में,
मैथ्स में, इनफैक्ट आने वाले इंजीनियरिंग अगर तुम करते हो तो उसमें, ठीक, तो इस कर्व को तुम बार बार देखोगे, बार बार, तो इसका इसका ग्राफ देख लेना बहुत जरूरी है। इसका ग्राफ कुछ होता है बच्चों इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, इसका ग्राफ होता है इस तरीके से। देखो ये कॉन्स्टेंट टर्म है, उसके पावर को तुम बढ़ाते जा रहे हो, बेसिकली बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, ठीक है। लेकिन एक बात तो पक्का सर, अगर ये टर्म कॉन्स्टेंट और पॉजिटिव है तो ये कभी भी y नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो y कभी नेगेटिव नहीं जा रहा, हमेशा x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ये होता है y = e to power x। यहां हो गया हमारा बेसिक फंक्शंस, जो भी ग्राफ हम लोग को देखना था वो खत्म, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, ठीक है। तो यहां था हमारा आज का लेक्चर फिनिश, अभी कैलकुलस फिनिश नहीं हुआ, ये जस्ट स्टार्टिंग था उसका, ठीक है। आज हम लोगों ने सिर्फ देखा कैलकुलस में फंक्शंस क्या होता है और फेमस फंक्शंस, उनके ग्राफ और उनका इक्वेशंस, ठीक है। ये पार्ट हमें जानना बहुत जरूरी था, कभी कभी मैंने देखा कि क्या होता है लोग ट्रिग्नोमेट्री के बाद सीधा डिफरेंशिएशन या मैक्सिमम मिनिमा या इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देते। तो यार देखो, जब तक तुम फंक्शंस और ये सब चीजें नहीं समझोगे, ये भी चीजें नहीं समझोगे, तो अलजेब्रा कैसे पढ़ सकते हो यार मैथ्स का, राइट। तो इसको बहुत जरूरी था पढ़ना। अब जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन एंड मैक्सिमम मिनिमा, तो तुम्हें मजा आएगा और समझ में आएगी चीजें क्या हो रही, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर को बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जरूर से अटेंड करना, और कोई भी क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताना, एंड ऑल द बेस्ट।